दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार जो आज कोलकाता और गुजरात की टीम के बीच में आईपीएल 2022 का मुकाबला खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में। तो आप सब इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आज के इस मुकाबले में आपको गुजरात और केकेआर में से कौन सी टीम का प्रदर्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों आज इंडियन प्रीमियर लीग के 35वें मुकाबले में शनिवार को डबल हेडर मैच के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सामना आज गुजरात टाइटंस की टीम के साथ हुआ, जहां मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के 67 और मिलर की 27 रनों की पारी के दम पर कोलकाता के सामने 157 रनों का लक्ष्य रखा, जहां टीम ने आखिरी ओवर में 4 विकेट गवाए थे। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की भी शुरुआत हार्दिक की टीम जैसी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों यहां पर हुआ ये कि आज के इस मुकाबले में जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात की टीम उतरी थी तो गुजरात की तरफ से एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए आए रिद्धिमान साह और शुभमन गिल, जहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज आज के इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए। दरअसल दोस्तों शुभमन गिल के रूप में यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां उनको टिम साउदी ने सैम विलिंग्स के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं शुभमन गिल 5 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका भी लगाया। तो वहीं शुभमन के आउट होने के बाद फिर मैदान पर आए रिद्धिमान साह, जहां रिद्धिमान साह ने 25 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन उनको भी उमेश यादव ने चलता किया, जिसके चलते ये 2 बड़ी सफलताएं गुजरात टाइटंस के खिलाफ केकेआर की टीम को मिल चुकी थी। हालांकि यहां पर अब आउट करना था हार्दिक पांड्या को, क्योंकि यहां पर हार्दिक पांड्या ने आज के इस रोमांचक मुकाबले में 49 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। हालांकि इनको भी टिम साउदी ने ही रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाया और हार्दिक के आउट होते के साथ ही डेविड मिलर का विकेट भी मात्र 27 रन पर ही गया, जैसे कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों ये 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद फिर गुजरात टाइटंस की टीम का कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाबी हासिल ही नहीं कर सका। दरअसल यहां पर डेविड मिलर 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए और उनको शिवम मावी ने उमेश यादव के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं राहुल तेवतिया 12 गेंदों में 17, तो वहीं राशिद खान 2 गेंदों में मात्र 0 रन पर ही पवेलियन लौटे और वहीं अभिनव मनोहर ने 2 रन बनाए, लौकी फर्गुसन 0 और यश दयाल पहली ही गेंद पर चलते बने, जिसके चलते यहां पर गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना पाने में कामयाबी हासिल कर पाई। और इस दौरान सबसे ज्यादा विकेट लिए आंद्रे रसल ने, जिन्होंने 1 ओवर डालते हुए ही 5 रन देकर 4 बड़ी सफलताएं हासिल कर ली थी। तो वहीं दोस्तों गुजरात की टीम के होश उड़ा देने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए और 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर कोलकाता की तरफ से आज ओपनिंग करने के लिए बिल्कुल ही नई जोड़ी मैदान पर उतरी थी, क्योंकि यहां पर सैम विलिंग्स और कोलकाता की टीम को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि आज ये दोनों ही बल्लेबाज जरूर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को उच्च स्तर तक लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। दरअसल पहले ही ओवर की 4th गेंद पर मोहम्मद शमी जब गेंदबाजी करवा रहे थे तो उन्होंने सैम विलिंग्स को चलता किया, जहां सैम विलिंग्स ने आज के इस मुकाबले में 4 गेंदों में मात्र 4 रन की पारी खेली, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं सैम विलिंग्स के आउट होने के बाद फिर मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर से तो टिके हुए थे और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से एक के बाद एक विकेट जाए जा रहे थे। दरअसल दोस्तों पहले तो श्रेयस अय्यर के सामने सुनील नरेन का विकेट गिरा, जहां सुनील नरेन आज के इस मुकाबले में मोहम्मद शमी की गेंद पर लौकी फर्गुसन को कैच थमा बैठे और ये दूसरी बड़ी सफलता गुजरात की टीम को मिली। तो वहीं दोस्तों फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनको लौकी फर्गुसन ने रिद्धिमान साह के हाथों कैच आउट करवा दिया और ये बड़ा झटका कोलकाता की टीम को लगा। तो वहीं ये 3 बड़े झटके खाने के बाद फिर मैदान पर आए रिंकू सिंह, जहां रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच में बढ़िया साझेदारी निभ रही थी, लेकिन दोस्तों इसी दौरान श्रेयस अय्यर को न जाने क्या हुआ वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे, जहां श्रेयस अय्यर बस मात्र 15 गेंदों में 12 रन ही बनाकर पवेलियन लौटे और अपनी 12 रन की पारी में उन्होंने एक चौका और एक बड़ा छक्का लगाया था। तो वहीं अय्यर के आउट होने के बाद फिर मैदान पर आए वेंकटेश अय्यर, जहां रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने पूरी कोशिश की कि वो टीम को जीत दिलाने की तरफ ही देखेंगे और ऐसा वो करते हुए भी नजर आए, लेकिन दोस्तों फिर इसी दौरान रिंकू सिंह आज के इस मुकाबले में 28 गेंदों में
35 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपनी 35 रन की पारी में चार चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था। हालांकि उनको यश दयाल ने रिधिमन साहा के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं फिर उनका साथ निभा रहे वेंकटेश अय्यर भी मात्र 17 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। तो वहीं शिवम मावी ने 2 रन की पारी खेली और यहां से कोलकाता की टीम पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि यहां पर राशिद खान, यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाजों ने 2-2 विकेट छटका दिए थे और यहां पर आंद्रे रसल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, जहां पर उन्होंने पूरा मैच अंतिम ओवर तक ले जाकर पलट कर रख दिया। बाकी दोस्तों आप सभी यहां पर देख भी सकते हो और अब आप सभी की क्या राय है इस मुकाबले के बारे में और आप किस टीम को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे इस मैच को देखने के बाद। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के 34वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर हुआ, जहां इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर के शानदार शतक की मदद से 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 222 रनों का बड़ा स्कोर बनाया और दिल्ली की टीम को जीतने के लिए लक्ष्य मिला 223 रनों का। हालांकि हम आपको अगर राजस्थान की पारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें तो यहां पर जब राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी तो राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने बीच मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी कर दिखाई। 35 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी। तो वहीं अपनी 54 रन की पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए थे। तो वहीं हालांकि देवदत्त पडिक्कल एक शॉट बड़ा खेलने के चक्कर में अंदर आते हुए गेंद को समझ नहीं पाए और सीधा अल्ट्राएज में जब पता लगाया गया तो वो LBW बोल्ड निकले। तो वहीं देवदत्त के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे संजू सैमसन, जहां संजू सैमसन ने आज के इस मुकाबले में जॉस बटलर के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। लेकिन इसी बीच दूसरा बड़ा झटका राजस्थान की टीम को जॉस बटलर के रूप में लगा। जी हां दोस्तों, बटलर इस मुकाबले में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर डेविड वार्नर को सीधा कैच थमा बैठे, जहां बटलर ने आज के इस मुकाबले में 65 गेंदों में 116 रनों की पारी खेली और अपनी 46 रन की पारी में तो सैमसन ने 5 चौके और 3 बड़े छक्के जड़े, जिसके चलते यहां पर राजस्थान की टीम 20 ओवर में बस मात्र अपने 2 विकेट गंवाकर ही 222 रन बनाने में कामयाबी हासिल कर सकी। तो वहीं फिर जब 223 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरी। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आप क्या मानते हो कि दिल्ली की टीम का असली हकदार कौन है जीत दिलाने का? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।